पहले ही बोल दिया मैं। ये देखो गाइस, ये इसको मैं पहले ही बोला, निकले भी नहीं अभी, खाली वहां से चार कदम चल के खाली यहाँ तक आया है और पूरा कॉक। ये देखो ऐसा मरते हुए जाते ना ये लोग। अरे क्यों? आप क्यों? अरे हो गया ना। अबे केले के छिलके, तुझे 300 रुपया देने का है दीदी को, तू अभी 200 रुपया दे। लो ना, फ्री में लो, फ्री में चल, फ्री में। अब धंधा करते हैं, ऐसा धंधा करेंगे। हमलोग का फैक्ट्री होगा, हमलोग को नहीं आता। कहाँ मेरा? चील में आपको रहना है या रहना है? चाल डाइन रहना। अब एक और बार कर दिया तो? कुछ नहीं आता। नहीं आया। आप 500 रुपए देके बाहर निकल लो या जेल में रहना। बाहर निकल जाओ। अमृतसर किसका? ऐसा नहीं, जाओ पैसे दे जल्दी। 300 रुपया दे जल्दी। 100 रुपया चाहिए। मेरे को बाद में दूंगा 200। 100 रुपया तो दे अभी, 100 रुपया बाद में दे। ला पैसे दे। 9, 10, 10 क्या? पैसे दे पहले। 1500 रुपए दे। 1500 तो नहीं है, 1200 है। 500 है, 200 है। 5, हाँ, रेंट ऊपर का। अबे कितना दिया तू? अरे ये जो अमाउंट है ये तू खरीदने के बाद उसको इतना पे करना पड़ेगा। आप आपके पास ये है वाटर वर्क्स? ये मेरा कार है। दोनों एक साथ रहेगा तभी ये होता है। ये मेरा कार है। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी जैसे आप देख सकते हो कि जो वीडियो को स्टार्टिंग था उसी में हम लोग गेम खेल रहे थे। एक्चुअली हम लोग मतलब ऐसे नॉर्मली बैठे थे, तो दक्ष भी, दक्ष का रिजल्ट था, तो दक्ष बताने आया कि सनी ऐसा ऐसा है, मैं पास हो गया हूँ, इतना इतना परसेंटेज आया है। तो अभी एक मतलब 8th class मेरे ख्याल से पास हुआ है वो, या 7th class आज पास हुआ है, 8th class में गया है, या तो 8th pass हुआ है 9th में, या कितने में गया हम लोग को इतना अच्छे से आइडिया नहीं, बट जो भी है पास हो गया बंदा अच्छे मार्क्स से। बाहर जाने का भी प्लान है, बट 3:30-4 बजे जाने का प्लान है, क्योंकि अभी इस टाइम पर बहुत धूप रहती है बाहर। तो आज साइप्रस जाने का प्लान है, साइप्रस गार्डन में आज हम लोग मतलब रैकेट वगैरह खेलने का थोड़ा सा प्लान है, तो देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अभी सब लोग गए घर पे, अभी बज रहा है 2, मैंने बोल दिया है कि थोड़े टाइम बाद आओ, भी 3:30 तक आ जाओ, 3:30-4 बजे तक, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करना है, सारा काम बचा है, सुबह से माल वगैरह डिलीवरी यही वो ये छोटे मोटे काम कर रहे थे। तो अभी जाऊंगा एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा अपना, एंड खाना वाना खाऊंगा, फ्रेश अप होऊंगा, उसके बाद निकलेंगे साइप्रस के लिए। एंड साइप्रस गार्डन अगर आप लोग ने नहीं देखा है, आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो आपको साइप्रस गार्डन भी दिखा देंगे, एंड हमारा जो है रैकेट वगैरह भी खेल लेंगे, काफ़ी टाइम से नहीं खेला है, बोर भी हो रहा है, घर पर बैठे हैं, बच्चों की छुट्टी भी है, तो उस वजह से थोड़ा सा हमारा भी कंटेंट शूट हो जाएगा, एंड ये लोग बच्चे लोग थोड़ा सा जाके भी आ जाएंगे। ओके सो गाइस, लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, अभी सीधा बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए, एंड ऑलमोस्ट 2:45 बज गए हैं, फटाफट से एडिटिंग करते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि वीडियो टाइम से अपलोड हो जाए, क्योंकि मेन कंसर्न पूरे दिन का मेन कंसर्न वही रहता है कि वीडियो बनना है, वीडियो बनाना है और वीडियो अपलोड करना है, खाली ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पूरे दिन में। एंड पूरे दिन में मैं खाली यही चीज़ का टाइम निकालता हूँ कि पूरे दिन में एडिटिंग कब करूँगा एंड वीडियो शूट कब करूँगा।
तो ये दो चीजें होती है पूरे दिन में जो मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं यही चीज डिस्कस मतलब यही चीज अपने दिमाग में सोचता हूँ कि एडिट कब करना है, शूट कब करना है, खाली ये दो चीज, बाकी तो बाकी चीजें तो फ्लो फ्लो में होती रहती है। मैं चश्मा यार, ये चश्मा मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज्यादा। कोई नहीं गाइस, फटाफट से एडिटिंग खत्म करते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे साइप्रस के लिए। ओके सो गाइस, वीडियो एडिटिंग हो गई है एंड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बस वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड गाइस, एक और एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जब वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को दिमाग में आया कि यार, एक ने मेरे को ये सवाल पूछा था, तो इस सवाल का जवाब देना है। तो एक मेरा सब्सक्राइबर ये जिसने मेरे को सवाल पूछा था मेरे से पर्सनली आके, तो उसने मेरे को ऐसा बोला था कि भाई, आपका ब्लॉग जो है बहुत सिंपल होता है, मतलब बहुत सिंपल ब्लॉग होता है, मतलब ये किया, ये किया, ये किया, ब्लॉग ख़त्म। तो ऐसे क्यों, कुछ ऐसा करो, एडिशनल करो, वैसा करो। तो देखो गाइस, ऐसा मतलब बहुत ऐसा हटके मीम्स डालना या बहुत सारी चीज़ें, साउंड डालना, साउंड इफेक्ट डालना, ये सब चीज़ें डालने में मेरे को बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे वो सारी चीज़ें आती नहीं है करना, एडिटिंग करना आता नहीं है, मुझे एडिटिंग पता नहीं है कैसे करते क्या नहीं क्या। मेरे को एडिटिंग करना आता है, मुझे साउंड इफेक्ट कैसे डालना है, मीम्स कैसे डालना है, सारी चीज़ें पता है मेरे को। बट मेरा क्या चैनल, मतलब मेरा सीन कैसा है ना, मेरा चैनल एकदम बोलते ना कि एकदम सादा चैनल, एकदम जैसे बोलते ना एकदम कॉमन मैन चैनल, सादा चैनल एकदम। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा हटकी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। नहीं तो दिखाने के लिए ऐसा बोलते ना कि ऐसे अमीर पैसा ये सब चीज़ें बहुत दिखा सकता हूँ मैं, बट दिखाता नहीं। एकदम नॉर्मल चैनल है मेरा, एकदम मतलब जैसे कॉमन मैन कैसा अपना लाइफ जीता है, कॉमन मैन की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है। ऐसा कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, मतलब उनके पास बहुत सिंपल सी बात है कि उनका लाइफस्टाइल ही वैसा है, उनके पास पैसा इतना है कि उनके डेली लाइफ में अगर कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो साला 1500, 2000, 6000, 7000 का प्रोडक्ट होता है एक एक चीज़। तो अपन मैं कैसा, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जो अपने डेली लाइफ में जो सबसे पहली बात, तो मेरा ब्लॉग इतना कॉमन, इतना नॉर्मल, एकदम जनरल क्यों होता है, इतना मतलब बोलते ना कि बहुत अब शायद समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्योंकि ये चीज़ मैंने, ये फीडबैक मैंने अपने सब्सक्राइबर से ही ली है। तो उसने मेरे को बताया कि आपका सादा, बहुत सादा ब्लॉग रहता है कि ये किया, ये किया, ये किया, दिन खत्म। तो सबसे पहले गाइस, एक चीज़ समझ लो कि मेरा है ना लाइफस्टाइल ब्लॉग है। अब लाइफस्टाइल ब्लॉग का मतलब क्या होता है ना, पहले मैं तो आपको ये समझाता हूँ लाइफस्टाइल ब्लॉग का मतलब क्या होता है। लाइफस्टाइल ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आपकी डेली लाइफ में आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीते हो, ये होता है लाइफस्टाइल ब्लॉग का मतलब। और लोग है ना, कुछ चीज़ें ना बड़े बड़े लोग का देख के ना हमको जज करना चालू करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग की लाइफस्टाइल ही अलग होती है डूड। मतलब बड़े बड़े लोग स्टारबक्स जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल ही है वैसी। उनके पास पैसा इतना है, वो खर्चते हैं पैसा उतना, लाइफस्टाइल ही है उनकी। वो बड़ी बड़ी परफ्यूम लगाएंगे, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े, बड़ा घर, बंगला, फ्लैट, ये सब वो उनकी लाइफस्टाइल है। मेरी लाइफस्टाइल ये एकदम कॉमन, मैं सुबह उठता हूँ, अपना जो भी है शॉप का काम करता हूँ। कॉमन मैन क्या काम करता है, सुबह उठता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो आपको शूट करके बताता हूँ, कोई मसला हुआ तो बताता हूँ, कोई फनी चीज़ हुआ तो बताता हूँ, कोई टेंशन वाली बात हो गई तो बताता हूँ। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो पहले ये चीज़ समझ लो कि लाइफस्टाइल ब्लॉगर है अपन, लाइफस्टाइल। और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी अपना, कभी ट्रैवल करता हूँ तो वो भी ब्लॉग्स बना के दिखाता ही हूँ। ऐसे नहीं है कि ट्रैवल करके आ गया बस खत्म हो गई बात, ट्रैवल करता हूँ तो भी आपको लाके दिखाते ही हूँ कि भाई यहाँ ट्रैवल किया, ये देखा, वो देखा, ये किया, वो किया। तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है अपना। तो सबसे पहली बात तो उस चीज़ को मत जज करो। और दूसरी बात ये कि मेरा ब्लॉग इतना साधारण क्यों होता है, सिंपल क्यों होता है। मैं चाहता हूँ कि सिंपल चीज़, मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे जिस हिसाब से अपना ये है ब्लॉग है सिंपल, जैसे शूट करते हैं अपन सिंपल, वैसे सिंपल एडिटिंग भी हो। अभी आप लोग को चाहिए कि मैं ऐसा हटक मटक झटक मटक एडिट करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे कोई भी बात नहीं। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसा एडिटिंग में थोड़ी सी चेंजेस लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो गाइज़, अगर प्लीज़ मेरे एडिटिंग में अगर कुछ भी चेंजेस चाहिए, या मेरे एडिटिंग में आपको चाहिए कि थोड़ा सा और एंटरटेनिंग हो, मीम्स डालूँ, साउंड इफेक्ट डालूँ, ये डालूँ, वो डालूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरा ऐसा लुकआउट है कि ब्लॉग जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, क्योंकि देखने में मज़ा आता है। वो मीम्स डालने से तो ब्लॉग ऑब्वियसली बात है एंटरटेनिंग हो ही जाता है, क्योंकि वो मीम्स डाल दिया ऐसे ही हुआ आ गया, मीम्स डाल दिया तो ऑब्वियसली बात है वो मीम्स से एंटरटेनिंग हो ही जाता है। तो वही चीज़ है। तो इसकी वजह से मैं साधारण एकदम सादा ब्लॉग रखता हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं कि मेरे को एडिट करने नहीं आता, मीम्स डालने नहीं आते, या साउंड इफेक्ट डालने नहीं आता, या एंटरटेनिंग नहीं बनाने आता वीडियो। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि मैं ऐसा साधारण एडिटिंग करता हूँ, वो एक बात है, बाकी और ऐसा कोई और कोई मसला नहीं है उस चीज़ का। तो गाइस, ये चीज़ है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि चैनल अपना किस चीज़ का है और अपन क्या ब्लॉग बनाते हैं,
वीडियो कितना साधारण होता है, तो ये चीज़ का जवाब मैंने यहीं पर दे दिया। तो गाइस 3:07 हो गए हैं, अरे वापे जैसे चालू किया 3:07 हो गया है। एंड अंगद का मेरे को अभी फ़ोन आ गया था, क्योंकि अंगद में और दक्ष जाने वाले साइप्रस, तो अंगद का फ़ोन आया था कितने बजे निकलना है भैया। मैंने बोला 3:30 तक निकलते हैं, 3:30-4 तक, तो बोला ठीक है। तो एडिटिंग हो गई है, वीडियो को लगाते हैं, अपलोडिंग पे जाके नहा के आता हूँ, उसके बाद निकलते हैं बाहर का सिनेरियो आपको दिखाते हैं क्या है। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं साइप्रस के लिए। अभी यहाँ से साइप्रस जाएंगे, हम तीन जा रहे हैं, दक्ष ये और मैं। मैंने अपना रैकेट ले लिया है, अंगद ने अपना रैकेट ले लिया है, दक्ष ने पूरा कॉक का वो लेके आया है बॉटल, तो कॉक की कमी नहीं है। कॉक इनफैक्ट कॉक वहाँ घूमेगा भी नहीं, क्योंकि कॉक बहुत सारे और खुला एरिया, तो कॉक घूमेगा भी नहीं वहाँ पे, तो कॉक का डर नहीं है इतना। फिर भी मतलब सेफ साइड के लिए हम लोग काफ़ी सारा कॉक लेके जा रहे हैं वहाँ पे, पूरा इसके अंदर 12 कॉक है इसके अंदर, तो कॉक लेके जा रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ से, या तो बस करेंगे या तो ऑटो, जो भी रहेगा सिस्टम। अगर ऑटो जल्दी मिल जाए तो ऑटो, या तो बस मिल जाए तो बस, तो जो भी जैसा भी रहेगा, जैसे भी जाएंगे वैसे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए निकल रहे हैं एंड पहुँचते हैं, मिलते सीधे आपसे साइप्रस। पहले ही बोल दिया मैं, ये देखो गाइस ये इसको मैं पहले ही बोला, निकले भी नहीं अभी, खाली वहाँ से 4 कदम चल के खाली यहाँ तक आए और पूरा कॉक ये देखो, ऐसा मरते हुए जाते ना ये लोग। अरे लोगों मैं पहले ही बोला, वो तो ऐसा ऐसा लेके ऐसा करके झुला दिया ऐसा, और पूरा कॉक कर रहा। मैं बोला ये क्या गिरा, मैं बोला ये गिरा क्या, ये चीज और कहां से गिरा, ऐसे बोला चल यही नहीं, इसीलिए नहीं रही। अभी तो